इज़रा की पुस्तक अध्याय एक। इज़रा की पुस्तक अध्याय एक। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार कराया और लिखा भी कि फारस का राजा कुसरू यो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके संग रहे और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाएगा। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहां वह रहता हो उस स्थान के मनुष्य चांदी सोना धन और पशु देकर उसकी सहायता करे और इससे अधिक परमेश्वर के यरूशलेम के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाए। तब यहूदा और बन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए वे सब उठ खड़े हुए और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र सेना धन पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उस सबसे अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे उनको कुसरू राजा ने मिथुदात खजांची से निकलवाकर यहूदियों के शेष बस्सर नाम प्रधान को गिनकर सौंप दिए। उनकी गिनती यह थी कि अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1000 परात और 29 छुरी सोने के 30 और मध्यम प्रकार के चांदी के 410 कटोरे और प्रकार के पात्र 1000 सोने चांदी के पात्र सब मिलकर 5400 थे। इन सबों को शेष बक्सर उस समय ले आया जब बंधुए बाबेल से यरूशलेम को आए।